नमस्कार। वर्तमान समाज में भ्रष्टाचार और अनैतिकता निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और हमारे हृदय की कोमल भावनाएं भ्रष्टाचार या अनैतिकता के नीचे पिसकर रह गई हैं। साहित्य में भी इस चिंता को व्यक्त किया जाता रहा है। गजानन माधव मुक्तिबोध इसी विचार को लेकर भूल गलती नामक कविता की रचना करते हैं। इस कविता में वे भूल गलती या भ्रष्टाचार को किसी राजा या शहंशाह की तरह चित्रित करते हैं, जिसके दरबार में समाज के सभी वर्गों के लोग सिर झुकाए खड़े हैं। सत्य अथवा ईमान को वहां पर जंजीरों में बांध कर लाया जाता है। भ्रष्टाचार रूपी राजा को हमारी कमजोरियों से शक्ति मिलती है और वो निरंतर ज्यादा बलशाली होता चला जाता है। लेकिन कवि पूरी तरह से निराशावादी नहीं है। कवि आशा व्यक्त करते हैं कि कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति का ईमान जागेगा और वो क्रांति के पथ पर चल पड़ेगा। उसके पीछे सारा समाज चलेगा और इस तरह बुराई का नाश हो जाएगा। आइए कविवर मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता भूल गलती को समझने का प्रयास करते हैं। भूल गलती कविता गजानन माधव मुक्तिबोध जी के कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। ये संकलन सन 1964 में प्रकाशित हुआ था। मुक्तिबोध लिखते हैं, भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के। भूल गलती भ्रष्टाचार और अनैतिकता की प्रतीक है। जिरह बख्तर का अर्थ है लोहे की जंजीरों से बना हुआ कवच। तख्त का अर्थ है राज सिंहासन। मुक्तिबोध भूल गलती या भ्रष्टाचार को एक बादशाह या शहंशाह के रूप में चित्रित करते हैं, जो कि लोहे का कवच पहनकर दिल के सिंहासन पर बैठा हुआ है। भाव ये हुआ कि आज हमारा हृदय भ्रष्टाचार, अनैतिकता और अनाचार के कब्जे में है। बादशाह का कवच पहनकर बैठना उसके शक्तिशाली होने की ओर इशारा करता है। इस कविता में मुक्तिबोध उर्दू के शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं, ताकि दरबार और बादशाह के दृश्य अधिक जीवंत हो सकें। ये कविता दृश्य बिंबों से भरी पड़ी है। कविता पढ़ते समय अनेक बार हमारी आंखों के सामने पूरा दृश्य या पूरा चित्र प्रस्तुत हो जाता है। इस मानसिक चित्र को या चित्रों की एक श्रृंखला को दृश्य बिंब कहा जाता है। मुक्तिबोध अपनी भाषा के माध्यम से हमारे सामने भ्रष्टाचार रूपी निरंकुश और अत्याचारी शासक का चित्र प्रस्तुत करते हैं। वे आगे लिखते हैं, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक। इस राजा के पास बहुत से हथियार हैं, जो कि खड़े हैं या तैयार हैं, तथा उनकी चमक दूर से ही दिखाई देती है। आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी। इस राजा की आंखें पैने और धारदार पत्थर की तरह रह रह कर चमकती हैं। भावार्थ ये कि उसकी आंखें हिंसक हैं और उनमें जरा भी करुणा नहीं है। खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें, सभी अच्छी भावनाएं इस राजा के सामने सिर झुकाकर पंक्ति में खड़ी हैं। बेजुबां ये भावनाएं यहाँ पर गूंगी हो गई हैं। बेबस विवश हैं, लाचार हैं। सलाम में ये प्रणाम की मुद्रा में या समर्पण की मुद्रा में इस राजा के दरबार में खड़ी हैं। अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबारी आम में। मेहराब का अर्थ है दरवाजे के ऊपर की अर्धमंडलाकार या अर्धचंद्राकार रचना, और दरबारी आम से तात्पर्य है ऐसा दरबार जिसमें कि आम लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस दरबार की मजबूती का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ये आम दरबार बहुत से खंभों और मेहराबों पर टिका हुआ है। भावार्थ ये हुआ कि भ्रष्टाचार रूपी बादशाह का दरबार बहुत मजबूत है और इस दरबार में सभी अच्छी भावनाएं सिर झुकाकर खड़ी हैं। उसकी आंखें रोबीली हैं और उसके हथियारों की चमक दूर से ही दिखाई दे रही है। ये भ्रष्टाचार रूपी शासक या बादशाह कवच पहनकर दिल के सिंहासन पर बैठा हुआ है। उसने मनुष्य के हृदय पर अपना अधिकार जमा रखा है। अगली पंक्तियों में कवि वर्णन करते हैं कि इस दरबार में सत्य अथवा ईमान को बंदी बनाकर लाया जाता है। सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा। राजा के सामने एक व्यक्ति को प्रस्तुत किया गया है जिसका चेहरा
व्याकुल कर देने वाले जख्मों से भरा हुआ है और ये जख्म टेढ़ी मेढ़ी लकीरों के रूप में हैं कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। दिल की भाप का अर्थ है व्यक्ति के भीतर का क्रोध या आवेश। इस आदमी के दिल का गुस्सा चेहरे पर दिखाई दे रहा है और इसका चेहरा क्रोध के कारण कांप रहा है या तमतमा रहा है। पहने हथकड़ी। इस व्यक्ति को हथकड़ी पहनाकर दरबार में लाया गया है। वह एक ऊंचा कद, लेकिन इस बंदी की ऊंचाई या इसका कद काफी ज्यादा है। ऊंचा कद इस व्यक्ति की निडरता या इसकी श्रेष्ठता की ओर इशारा करता है। इसका तात्पर्य है कि सत्य अथवा ईमान हमेशा श्रेष्ठ है, भले ही उसे जंजीरों से बांध दिया जाए। समूचे जिस्म पर लत्तर, उसके सारे शरीर पर चीथड़े हैं। शरीर पर चीथड़ों का होना इस बात की ओर संकेत करता है कि सच्चाई के रास्ते पर कभी भी ज्यादा सुविधाएं नहीं मिलती और अक्सर व्यक्ति चीथड़ों में या गरीबी में जीता है। झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के, लगातार खून बहने के कारण इस व्यक्ति के शरीर पर लाल लाल लंबे निशान बन गए हैं जो कि चीथड़ों के भीतर दिखाई दे रहे हैं। सभी पंक्तियां पाठक के समक्ष दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं, इसलिए सभी पंक्तियों में दृश्य बिंब है। वह कैद कर लाया गया ईमान। मुक्तिबोध स्पष्ट करते हैं कि ये कैदी या ये बंदी और कोई नहीं बल्कि मनुष्य का ईमान है। ईमान से तात्पर्य है मनुष्य के भीतर की सद्वृत्तियां, सिद्धांतवाद और सत्य। सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता। ये कैदी सुल्तान से डरता नहीं है, ये उस शासक से आंखें नहीं चुराता और ना ही आंखें नीची करता है, बल्कि ये उस शासक की आंखों में आंखें डालता है। बेखौफ, बिना डरे हुए नीली बिजलियों को फेंकता। नीली बिजलियां क्रोध या गुस्से की चिंगारियों की प्रतीक हैं। ईमान रूपी कैदी इस शासक से डरता नहीं है, बल्कि वो इसकी ओर क्रोध की चिंगारियां फेंकता है। भावार्थ ये हुआ कि हम सत्य को बंदी बना सकते हैं, लेकिन उसे हरा नहीं सकते। खामोश, ये व्यक्ति बंदी है, लेकिन ये खामोश रहकर भी अपना क्रोध व्यक्त कर रहा है। खामोश, सब खामोश, इस दरबार में सभी लोग खामोश हैं। मन सबदार अर्थात ओहदेदार या पदाधिकारी खामोश हैं। शायर और सूफी, दरबार में बैठे हुए कवि और सादा जीवन जीने वाले प्रेम मार्गी संत भी खामोश हैं। मुक्तिबोध प्राचीन फारस के कुछ विद्वानों के नाम लेते हैं जो कि इस दरबार का हिस्सा हैं। अल गजाली, ये फारस के प्रसिद्ध तत्वज्ञानी और सूफी संत थे। इब्ने सिन्ना, ये भी फारस के विद्वान, दार्शनिक और चिकित्सक थे। अल बरूनी भी फारस के विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक थे। इन लोगों का दरबार में होना इस बात की ओर संकेत करता है कि कवि, दार्शनिक, विचारक और बुद्धिजीवी लोग भी इस भ्रष्टाचार रूपी शासक के सामने विवश है और इन सभी ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है। आलिमो फाजिल, बहुत से ज्ञानी और विद्वान लोग, सिपह सालार, सेना नायक, सब सरदार, सभी प्रमुख या विशिष्ट लोग हैं खामोश। सभी लोग खामोश हैं। भाव ये हुआ कि बुद्धिजीवी लोग भी सत्य के पक्ष में इस समय कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वे स्वयं इस भ्रष्टाचार रूपी शासक के अधीन हैं और उसकी सहायता कर रहे हैं। नामंजूर, उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर। ईमान को भ्रष्टाचार रूपी शासक के दरबार में कैद करके लाया गया है और भ्रष्टाचार ने उसके सामने ये शर्त रखी है कि उसकी जिंदगी बख्श दी जाएगी यदि वो भ्रष्टाचार की गुलामी स्वीकार कर ले। लेकिन ईमान ऐसी किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इससे उसकी जिंदगी शर्मसार हो जाएगी। वो भ्रष्टाचार की शर्त मानकर एक लज्जाजनक जिंदगी नहीं जीना चाहता, इसलिए उसे कोई भी शर्त मंजूर नहीं है। हठ इनकार का सिरतान, ईमान रूपी कैदी अपना सिर ऊंचा रख के बड़ी निर्भयता से और हठ पूर्वक शर्तों को मानने से इनकार करता है। खुद मुख्तार, ईमान स्वाभिमान से और आत्मनिर्भर होकर जीना चाहता है, उसे भ्रष्टाचार के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना है। आगे कवि लिखते हैं
कोई सोचता उस वक्त, कोई से तात्पर्य है दरबार में बैठा हुआ ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है, या स्वयं ईमान जिसे कि इस दरबार में बंदी बनाकर लाया गया है। अगली पंक्तियों में ईमान या ईमानदार व्यक्ति कुछ संभावनाएं व्यक्त करता है जो इस प्रकार हैं। छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह। ईमान इस बात की कल्पना करता है या संभावना व्यक्त करता है कि इस भ्रष्टाचार रूपी राजा की सल्तनत पर या शासन तंत्र पर काली घनी छायाएं उतर रही हैं, अर्थात इसका समय अब समाप्त होने वाला है। सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, और इस सुल्तान ने या शासक ने जो कवच पहन रखा है वो वास्तव में मजबूत नहीं है, वो लोहे का ना होकर सिर्फ मिट्टी का बना है और किसी भी वक्त टूट सकता है। वो रेत का सा ढेर शाहनशाह, और ये जो शासक अथवा सुल्तान है ये किसी रेत के छोटे से ढेर के समान है, अर्थात इसकी हस्ती रेत के छोटे से ढेर से ज्यादा नहीं है। शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, और इस राजा की शहंशाहों वाली शानो शौकत रोब या रुतबा खत्म हो गया है और दरबार में सिर्फ सन्नाटा या चुप्पी बाकी रह गई है। लेकिन ना, लेकिन नहीं, ऐसा वास्तव में नहीं हुआ है, क्योंकि जमाना सांप का काटा, लोगों को अनैतिकता या चरित्रहीनता के सांप ने काटा है और उसका जहर उनके भीतर रच बस गया है। लोग बुराई या बेईमानी के जहर के कारण बेसुध या नशे में हैं, और उनको जागृत करके भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध करने का समय अभी नहीं आ पाया है। भूल आलमगीर, भ्रष्टाचार को आलमगीर या विश्व विजेता कहा गया है क्योंकि इस समय सारी दुनिया उसके कब्जे में है। मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह लोहे का जिरह बख्तर पहन, इस विश्व विजेता शहंशाह ने काले लोहे का कवच पहन रखा है जो कि मेरी और आप जैसे लोगों की कमजोरियों से बना हुआ है। भाव ये है कि ये शासक इतना बलवान इसलिए है क्योंकि ये हम जैसे आम लोगों की कमजोरियों से शक्ति प्राप्त करता है। हम जैसे आम लोग ही भ्रष्टाचार के सामने घुटने टेक देते हैं और उसे शक्तिशाली बनाते हैं। इस संदर्भ में शिवखेड़ा का एक कथन है कि देश कभी भी चोर उचक्कों की करतूतों से बर्बाद नहीं होता, बल्कि शरीफ लोगों की कायरता और निकम्मेपन से होता है। खूंखवार, हाँ खूंखवार आली जाह। खूंखवार का अर्थ है हिंसक, और आली जाह का अर्थ है ऊंचे पद या ऊंचे स्थान पर बैठने वाला। यहां पर आली जाह भ्रष्टाचार रूपी शासक को कहा गया है। ये शासक हमारी कमजोरियों का कवच पहनकर बहुत ज्यादा हिंसक हो गया है। वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, ये शासक या शहंशाह सच्चाई को अंधा कर देता है, उसकी आंखें निकाल देता है और सच्चाई को सही मार्ग नहीं दिखाई पड़ता, यानी सच्चे लोग अक्सर दिशाहीन हो जाते हैं, उन्हें सही मार्ग नहीं दिखाई देता। भ्रष्टाचार हमारे जीवन में या समाज में इतना घुल मिल गया है कि अब सच्चे लोगों को सही रास्ता नहीं दिखाई देता। सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, ये शासक दिल के सारे अरमान, सारी आशाएं और सारे सपनों को कुचल डालता है। ये दिलों में इतना खौफ पैदा कर देता है कि दिल की सारी अच्छाई नष्ट होने लगती है। करता हमें वह घेर बेबुनियाद, वो हमें चारों तरफ से घेर लेता है और हमें आधारहीन बना देता है। बेसिर पैर, वो हमें लुंज पुंज या अपाहिज कर देता है कि हम अपने बलबूते पर कुछ भी करने में असमर्थ हो जाते हैं। हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में। हम सभी लोग या प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार रूपी शासक के चमकदार और दिखावा करने वाले साधनों में फंस कर रह गए हैं। चमकते ताम झाम से तात्पर्य है उस राजा के महल का दिखावे से भरा हुआ नकली सामान जो कि हमें आकर्षित करता है, और हम उसके आकर्षण में फंस कर इस राजा के गुलाम बन जाते हैं। शाही मुकाम में, इस राजा के राजसी भवन में या महल में हम सभी कैद होकर रह गए हैं। भाव ये है कि भ्रष्टाचार की जिंदगी झूठ फरेब से भरी होती है, लेकिन उसमें एक आकर्षण होता है,
और हम उस आकर्षण के लोभ में फंस कर रह जाते हैं और भ्रष्टाचार के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं, उसके महल में कैद होकर रह जाते हैं। अगली पंक्तियों में मुक्तिबोध वर्णन करते हैं कि दरबार में बैठे हुए किसी व्यक्ति के भीतर की इंसानियत जाग जाती है और वो दरबार से निकल भागता है। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा। इतनी देर में दरबार में बैठे हुए लोगों में से कोई एक व्यक्ति निकल भागता है और कवि उसकी तुलना दर्द के कारण हमारे भीतर से निकलने वाली अजीब सी कराह या अजीब सी आवाज के साथ करते हैं। वास्तव में दरबार से निकल भागने वाला व्यक्ति हमारे भीतर का सत्य है या हमारे भीतर की इंसानियत है, जो कि कभी ना कभी अनुकूल वातावरण पाकर जाग जाती है। भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। मुक्तिबोध कहते हैं कि इस व्यक्ति को भागते हुए देखकर इस भरे हुए आम दरबार में मैं भी अचानक संभल कर जाग जाता हूँ। मैं से तात्पर्य साहित्यकारों के वर्ग से है, जो कि इस समय भ्रष्टाचार के सामने सिर झुकाए बैठे हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को विद्रोह करते देखकर ये वर्ग भी जाग जाता है। कतारों में खड़े भ्रष्टाचार रूपी राजा के सहायक पंक्तियों में खड़े हैं, खुदगर्ज ये लोग स्वार्थी हैं या मतलब परस्त हैं, बा हथियार इनके हाथों में हथियार हैं, अर्थात ये शक्तिशाली हैं, बख्तरबंद अनेक प्रकार के कवच पहनकर खुद को सुरक्षित किए हुए, समझौते शब्द का प्रयोग कवि ने उन लोगों के लिए किया है जो कि इस शहंशाह के सहायक हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर लिया है, उनका जीवन समझौतों से भरा हुआ है। वहम कर रह गए ये सभी लोग, भ्रम में पड़ जाते हैं, इन्हें विश्वास नहीं होता कि भ्रष्टाचार के दरबार से भी कोई व्यक्ति इस तरह से उठकर अचानक भाग सकता है। इन्हें लगता है कि ऐसा वास्तव में नहीं हुआ होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसके दरबार से भागना इतना सरल नहीं है। दिल में अलग जबड़ा भ्रष्टाचार के सहयोगी या उच्च अधिकारी बहुत ज्यादा हिंसक हैं, उनके दिल में हिंसक भावनाएं हैं, वे मानो सब कुछ चबा डालना चाहते हैं। अलग दाढ़ी लिए, दाढ़ी यहाँ पर बहुत ज्यादा चालाकी या होशियारी का प्रतीक है, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ये लोग दिल में अलग जबड़ा रखते हैं, अर्थात हिंसक या वहशी हैं, और दिल में अलग दाढ़ी भी रखते हैं, अर्थात ये लोग बहुत ज्यादा चालाक धूर्त या मक्कार हैं। दुमोहेपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे ये लोग दोगली बातें या द्विअर्थी बातें करने में कुशल हैं, अर्थात ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं होती और इन्हें दोगलेपन के सैकड़ों तजुर्बे या अनुभव हो चुके हैं। ये ऐसे अनुभवों से भरकर बुजुर्ग या परिपक्व हो गए हैं। दढ़ियल दाढ़ी वाले सिपह सालार सेना नायक या उच्च अधिकारी संजीदा ये बहुत गंभीर मुद्राओं वाले लोग सहम कर रह गए, ये अचानक ही घबरा गए, क्योंकि भ्रष्टाचार के दरबार से एक आम आदमी भाग खड़ा हुआ है, ये बात इन सबको विचलित कर देती है। लेकिन उधर उस ओर कोई, लेकिन ये जो व्यक्ति दरबार से भाग गया है ये किसी दूसरी तरफ बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, इस भ्रष्टाचार रूपी शासक की मीनार या उसके महल की सीमा से दूर दूसरी तरफ जा पहुंचा है। अंधेरी घाटियों के गोल टीलों, उस तरफ अंधेरी घाटियां हैं और गोल गोल टीले हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां या मिट्टी के ढेर हैं, घने पेड़ों में कहीं पर खो गया, उस तरफ घने पेड़ हैं, जंगल है जहां पर वो व्यक्ति गायब सा हो गया है। भाव ये हुआ कि सत्य का रास्ता बहुत अंधेरा होता है, वहां पर घाटियां हैं, टीले हैं और घने पेड़ हैं, इन सब के बीच में सच्चाई का रास्ता तलाश करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए सत्य की खोज में निकलने वाला व्यक्ति अक्सर खो जाता है। महसूस होता है कि वह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में, हमें ऐसा अनुभव होता है कि वो व्यक्ति ऐसे पहाड़ी रास्तों के इलाके में चला गया है जो कि बिना नाम वाले हैं और जिनके बारे में बहुत कम जानकारी है। दर्रों से तात्पर्य है मुश्किल पहाड़ी रास्ते, वो व्यक्ति ऐसे ही रास्तों में कहीं पर है, सच्चाई के सुनहले तेज अक्षों के धुंधलके में। ये व्यक्ति सच्चाई की सुनहरी
और तेज रोशनी वाली परछाइयों की धुंध में अपना कार्य कर रहा है। सच्चाई की परछाइयां अक्सर धुंधली होती है, लेकिन वास्तव में जब हम उस तक पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें सुनहरापन है। वो बहुत ज्यादा आकर्षक है और वो इतनी तेज है कि उन्हें ज्यादा समय तक छुपा कर नहीं रखा जा सकता। एक न एक दिन उन परछाइयों को प्रकट होना है। मुहैया कर रहा लश्कर, ये व्यक्ति वहां पर ऐसे मुश्किल स्थानों में रहकर सेना तैयार कर रहा है। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, ये व्यक्ति मनुष्यता को हारने नहीं देगा। ये वापस आएगा और भ्रष्टाचार के सामने हारी हुई मानवता को विजेता बनाकर छोड़ेगा। संकल्प धर्मा, इस व्यक्ति ने संकल्पों को या प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन का धर्म बना लिया है। चेतना का रक्त प्लावित स्वर और इसकी आत्मा से निकलने वाली आवाज मानो खून में नहाई हुई है। भाव ये है कि इसने अपना जीवन, अपनी आत्मा और अपने शरीर का रक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ की जाने वाली क्रांति को अर्पित कर दिया है। अब इसका शरीर, इसकी आत्मा और इसकी आवाज लाल रंग में डूबी हुई है या क्रांति को समर्पित हो चुकी है। हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर, वास्तव में ये व्यक्ति हमारे ही हृदय में छुपा हुआ है और किसी सुनहरे अक्षर की तरह है। स्वर्णाक्षर हमारे भीतर छुपी हुई मुक्ति की आकांक्षा है या क्रांति की विचारधारा है जो प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हमारे भीतर की ये भावना जब भी प्रकट होगी या अस्तित्व में आएगी तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, ये भ्रष्टाचार का नाश कर देगी। कवि ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं।